अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी कल से मैं काम में लगी हूँ, घर क्लीनिंग डीप क्लीनिंग में काम लग गई हूँ। तो बर्तन वर्तन पूरा हो गया था, बिछाने हो गए थे, लेकिन अच्छे से जोड़ना बाकी था। इसके वजह से रात में है ना लेका के यहीं पर रख दिए, क्योंकि थोड़ा बहुत बर्तन में जो पानी रहता है ना वो सूखा तो अच्छा लगता है जुड़ाने में। वैसे भी हमें रेशन भी लाने का था, क्योंकि रेशन नहीं था घर में, तो यहाँ पे देख लीजिए रेशन भी आ चुका है। तो मैं ऐसा सोची कि साथ ही साथ यहाँ पे ही डब्बे हैं मेरे पूरे, भी स्टील वाले डब्बे हैं, जर्मन वाले डब्बे पूरे यहीं पे हैं। तो रेशन भी मैं आपको दिखाते जाऊँगी और साथ ही साथ उन डब्बों में डाली तो भी अच्छा रहेगा, ऐसा लगा मुझे। इसकी वजह से व्लॉग भी स्टार्ट करी मैं। तो चलिए मैं क्या क्या रेशन लाई, वही मंथली वाला रेशन जो लाते हैं वही, कुछ खास नहीं लेके आई क्योंकि बकरीद भी आ रही है। तो फिर से एक बार हमें बकरीद का भी लेके आना पड़ेगा, शक्कर से लेके हर ड्राई फ्रूट्स लेके हर एक चीज लाना पड़ेगा। इसके वजह से अब जो मुझे मेन चाहिए, जो मुझे अर्जेंट था, वो मैं लेके आ चुकी हूँ। तो चलिए अब मैं बताऊंगी मैं रेशन क्या क्या लेके आई हूँ। और बस यहाँ पे ही स्टील के डब्बे हैं, तो स्टील के डब्बों में डाल दूंगी। वैसे भी स्कूल को भी जाना है मुझे आहिल के, तो कल बुक्स लेके आई थी। बाप रे बाप, बुक के पैसे बहुत ज्यादा है स्कूल में, बहुत ज्यादा हो गई है सब चीज। इसलिए खाना भी चढ़ा के रखी हूँ, अब उसे ले जाके खाना दूंगी और बुक के आधे पैसे देना है, दे के भी आऊंगी। तो चलिए बने रहना ऐसे ही। अब मुझे कंफ्यूज हो जाता है कि इतना सारा ढेर फसा रफा के रखी है ना, तो मुझे समझ में ना आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं, ऐसा हो जाता है। तो देखेंगे, शुरू करूंगी, कोई नहीं है घर में वो एक अच्छा है, नहीं तो आहिल रहा तो किरी किरी करा तो मुझे फिर से डिस्टर्ब होता है, ऐसा होता है। तो चलिए ऐसे ही बने रहना, मैं पहले रेशन दिखाऊंगी आपको, फिर उसके बाद डब्बे में डालती जाऊंगी। तो जी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं पूरा रेशन डाल के रख चुकी हूँ और जो डब्बे हैं यहाँ पे रखी हूँ, वो वाले डब्बे को मैं ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि इसमें है ना जो इसमें मैं यूज नहीं करती वो सामान उसमें भर के रख दूंगी। मुझे अच्छा खासा आइडिया मिल गया अभी। तो ये पूरे वाले स्टील वाले डब्बे हैं मेरे, अब ये पूरा रेशन उसमें डालूंगी। और ये है ना, ये कितने हैं, चार। इसमें आटा आ जाएगा, जारी का आटा आ जाएगा, बाद में इसका गेहूं का आटा आ जाएगा, और जो भी छोटे मोटे चीजें रहते हैं उसमें आ जाएंगे। तो ये वाला डब्बा जो मैं सामान जल्दी यूज नहीं करती उसके लिए। तो रेशन में लेके आई हूँ 2 kg शक्कर, चाक पत्ता, तो ये क्या है, ये रवा, साबुन, ये साबुन लेके आई हूँ, नमक पैकेट लेके आई हूँ, एक एक करके नहीं दिखाऊंगी अभी। चने का आटा लेके आई हूँ, ये गरम मसाला, पोहे, जीरा, और ये है मैदे का आटा, हल्दी, यहाँ पे है शैम्पू 2 नमूने के, ये आहिल के पापा यूज़ करते हैं और ये मैं यूज़ करती हूँ मेरा, और ये है सॉफ्ट टच, और ये है पानी पूरी, तो देख लीजिए इसके टेस्टी बनते हैं पानी पूरी, और ये है बिस्किट पैकेट, और ये है 5 kg गेहूं का आटा आनंद भोग। तो फिलहाल के लिए इतना रेशन लेके आई हूँ। और वहाँ पे तेल का डब्बा रखी हूँ, देख लीजिए, तो तेल बहुत सस्ता हुआ है, माशाल्लाह तेल का रेट थोड़ा कम हुआ है, मतलब 1500 को 15 kg का डब्बा मिल गया सनफ्लावर का, तो अच्छा खासा रेट कम हुआ है, नहीं तो 2500 में डब्बा मिल रहा था 6 महीने के पीछे। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे जो जो अर्जेंट था वही रेशन लेके आई हूँ मैं। तो अभी आगे का देखेंगे, आगे का छोटा मोटा जो चीजें रहते हैं, मॉल गए तो मॉल से लेके आएंगे, नहीं तो यहाँ से ही ले लूंगी शॉप में। तो बादम भी, बादम काजू वो सब लेके आई हूँ। अभी कौन सा ड्राई फ्रूट्स कम पड़ता है खीर के लिए, बकरी ईद के लिए, वो उतना ही लेके आऊंगी, ज्यादा नहीं लेके आऊंगी। अभी यहाँ पर ही डब्बे वगैरह रख चुकी हूँ, तो यहाँ से ही ले लेके जाके वहां पर किचन रूम में रखना मुझे सबसे अच्छा लगा। अब लेके जाऊं किचन रूम में, वहां पे पूरा फजारा भाऊं, ये रेशन ले जाऊं डालूं, ये बहुत सिर दर्द होता है, इसकी वजह से यहीं से ही उठा उठा के ले जाऊंगी। तो ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग में, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं अल्लाह के वास्ते सब्सक्राइब मत काटो, मत निकालो, अनसब्सक्राइब मत करो, क्योंकि मैं एक उम्मीद में रहती हूँ और आप अनसब्सक्राइब कर देते हो तो मुझे दिल को बहुत बुरा लगता है। तो दिल से सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। तो चलिए पूरा रेशन इसमें डालूंगी, तभी तक ऐसे ही बने रहना। We'll be right back.
फाइनली घर पूरा क्लीन हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे ये है मेरी किचन रूम, तो किचन रूम मेरी साफ हो गई। तो देख लीजिए कितने चकचक कर रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पे तो पानी वाले हैं तो वो धोने के लिए रखी हूँ, तो वो धो के यहाँ पे लगा दूंगी। और ये है मेरे डब्बे जो कल धोई हूँ, ये भी हुए। और यहाँ पर भी अभी दो आने वाले हैं। और बर्तन के स्टैंड में बर्तन लग चुके हैं, तो देख लीजिए माशाल्लाह। अभी है ना ये वाला जो डब्बा दिख रहा है इसमें पूरे मैं बर्तन रखती हूँ, जो नहीं यूज़ होते वो पूरे बर्तन इसमें रखती हूँ। और इसमें रेशन वाले चावल है जो इडली के लिए मैं डालती हूँ, और इसमें जारी का आटा आएगा, और इसमें गेहूँ का आटा, और उसमें बिस्किट है, उसमें जो यूज़ नहीं करते वो सामान है। तो इसमें भी कुछ है, और इसमें तलने की मिर्ची और मिर्ची पाउडर रखी हूँ मैं। मिर्ची पाउडर एक बार में पिसा के रख देती हूँ 2-3 महीने के लिए। और ये सब में शक्कर हो गई, सब कुछ हुए, और सब छोटे छोटे दाल हो गए, सब कुछ इसमें आ गया है। तो फाइनली मेरा घर क्लीन हो गया, सब डीप क्लीन कर चुकी हूँ। अभी सिर्फ क्लीन करना है मुझे जो बड़े बड़े भगोने थे मेरे यहाँ के, वो क्लीन करना पड़ेगा। और हो गया इतना ही। तो जी फ्रेंड, फाइनली पूरा पूरा काम फिनिश हो गया। कल से लेके आज तक की साफ सफाई पूरी खत्म हो गई। तो अभी मेरा बचा है सिर्फ ये वाले कपड़े तय लगाना है और गोदरेज में रख देना है। मतलब गांव जाने से पहले धो के रखी थी, गांव से आने के बाद 2 दिन हो गए ना, आने के बाद कपड़ा जो भी था नए हो पुराने हो सब कुछ धो के रखी हूँ यहाँ पर। तो देख लीजिए इतने पूरे तय लगाना है, तो आज का काम फिनिश होगा। और एक काम है मेरा, मेरे दिल में है, मगर देखेंगे हो सका तो। ये जो हमारा हॉल है ना, ये वाला पिंक कलर है, तो मैं सोच रही हूँ इसे दूसरा कलर करें, सिर्फ हॉल को ही मतलब थोड़ा डार्क कलर में कराऊँ, ऐसा सोच रही हूँ। टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं। आप बोलिए, कमेंट करिए, कराना है क्या नहीं है ये बात बोलिए। मुझे लग रहा है कराना, लेकिन इनको लग रहा है मत कराओ, क्यों कराना है, वैसे भी भाड़े का घर है ना, तो क्यों कराना ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हम रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा दूसरा डिफरेंट कलर करेंगे। पिंक कलर करो, कौन सा कलर करना चाहिए, तो मैं हॉल में एक अलग से कलर करवाऊंगी। तो ये मैं आज का व्लॉग यहीं पे ही एंड करूंगी। इस हाथ से व्लॉग करते करते ये हाथ दुखने लगता है, ये हाथ से व्लॉग करते करते ये हाथ दुखता है। तो व्लॉगिंग करने वालों को ये पता होगा ये पेन कैसा होता है ना। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, बड़ा वाला लाइक करिए, और कमेंट करिए, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दुआ में याद रखना, और मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।